तो गाइस अब हम आ गए हैं पदम पैलेस, जो मैं बता रहा था आपको यहाँ के राजा का पैलेस हुआ करता था। गाइस बंजार के वहाँ पे हमारी बस ख़राब हो गई थी, तो अभी यहाँ से दोबारा दूसरी बस चेंज करी है। तो अभी मनाली के लिए बस ढूंढ रहा हूँ मैं, ये कुल्लू का बस स्टैंड है। सो गाइस पैरासोल कैंप साइट बागासरा से अब मैं आ गया हूँ रामपुर में, और यहाँ रुकने का रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो यात्रा है वो जारी रहेगी, और यात्रा में हम यहाँ से जाने वाले थे मनाली। तो मनाली जाने के लिए एक रूट था शिमला वाला, बट मुझे वहाँ कैंप साइट में बताया कि शिमला वाला रूट बहुत उल्टा पड़ेगा, तो आप रामपुर रुक जाओ, यहाँ से कुल्लू के लिए बस चलती है और फिर कुल्लू से आप आसानी से मनाली आ सकते हो। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि जो अंशुल और उनका ग्रुप था उन्होंने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दे दी, तो अभी मैं रामपुर रुकने वाला हूँ। और अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि रामपुर में चीज़ें हैं देखने लायक, जो हिमाचल के राजा हुआ करते थे उनका पैलेस है और एक मॉनेस्ट्री भी है, तो वो हम आज देखने जाने वाले हैं। तो जिस होटल में मैं स्टे कर रहा हूँ उसका नाम है द ग्रैंड संग्रीला, और चलिए आप यहाँ का रूम भी देख लीजिए कैसा है रूम, और इस तरह से कुछ रूम है यहाँ का। और साथ ही साथ में जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा यहाँ की बालकनी, यहाँ की जो बालकनी है यहाँ से आपको सतलज रिवर देखने को मिल जाएगी, तो आप चाहो तो नीचे जाके थोड़ी स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हो अगर आपको आती है तो। गाइस लंच वगैरह करके थोड़ा मैंने रेस्ट वगैरह किया, और अभी हमारे साथ रमेश जी आए हुए हैं, तो ये हमें ले जा रहे हैं पैलेस, यहाँ पे जो किंग का पैलेस हुआ करता था पहले, और साथ ही साथ में एक मॉनेस्ट्री वो भी हम घूमने वाले हैं। हालांकि अभी वेदर थोड़ा सा रेनी टाइप का हो गया है, तो यहाँ से होटल से जो पैलेस है वो तकरीबन 5-10 मिनट का ही रास्ता है। तो गाइस अब हम आ गए हैं पदम पैलेस, जो मैं बता रहा था आपको यहाँ के राजा का पैलेस हुआ करता था। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पे पैलेस वगैरह देखना पदम पैलेस, तो आप आ सकते हैं, बट अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो ये राजा वीरभद्र सिंह जी की फोटो यहाँ पे इस पैलेस के अंदर लगाई हुई है, इससे आगे एंट्री अलाउड नहीं है, और बाकी यही है बस, यहाँ बार बार आ सकते हो। और काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब फोटोग्राफी के लिए भी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी खुला खुला है। सो गाइस ये था राजा जी का पदम पैलेस। अगर आप लोग रामपुर में कुछ टाइम के लिए रुके हो, आपको कुछ टाइम पास करना है या फिर कुछ अच्छी चीज़ देखने को घूमना है, तो ये एक अच्छी जगह हो सकती है और काफ़ी अच्छा है। तो गाइस पैलेस के जस्ट सामने एक मॉनेस्ट्री भी है, आप चाहो तो यहाँ भी आ सकते हो। तो गाइस रामपुर का पदम पैलेस और मॉनेस्ट्री घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस होटल में। तो एक और चीज़ थी, अगर आप लोग यहाँ आते हो घूमने के लिए तो आप मार्केट भी जा सकते हो, वो थोड़ा रोड से नीचे है अगर आपको ऐसे ही घूमना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ आपको कि अगर आप लोग यहाँ से कुल्लू जाने का प्लान कर रहे हैं, तो जो बसेस चलती हैं उसकी टाइमिंग्स हम लोग बस स्टैंड में जाके पूछ के आए हैं। रामपुर बस स्टैंड है, यहाँ से डायरेक्ट बसें चलती हैं, उसका जो पहली बस है वो चलती है 6:15 के आसपास और दूसरी चलती है 9:30 के आसपास। तो आप चाहो तो डायरेक्टली वहाँ बस स्टैंड जाके सीट वगैरह ले सकते हो। और तो गाइस इसके अलावा आपको एक बहुत बड़ा स्वीट रूम यहाँ पे मिलता है, जो फैमिली के लिए बहुत बेस्ट लगा मुझे। जैसा कि आप देखोगे पूरा ओपन एरिया है यहाँ पे डिनर वगैरह करने के लिए, लंच वगैरह करने के लिए, और यहाँ पे एक सेपरेट बेडरूम है, बहुत बड़ा मास्टर बेडरूम है, प्लस यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए और ये सब कुर्सियाँ वगैरह मेज वगैरह दी हुई है। यहाँ से अगेन वही रिवर व्यू आपको देखने को मिलेगा, टीवी प्राइवेट इधर लगाया हुआ है, एक हमारे पास स्वीट रूम है, बाकी 4 रूम सर ऐसे सिंगल है। हे गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो अभी अप्रॉक्स सुबह का 8:30 हो गया है, और आज 17 तारीख है, 17 अप्रैल, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ रामपुर से कुल्लू के लिए। तो अभी 9 बजे की अप्रॉक्स बस है, तो मैं फटाफट ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता हूँ, पराठा चाय वगैरह पी लेता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से हम सीधे जाएंगे कुल्लू। सो गाइस होटल ग्रैंड संग्रीला से मैं आ गया हूँ रामपुर के बस स्टैंड पे,
तो यहाँ से हमें कुल्लू चलना है, कुल्लू के लिए अप्रॉक्स बस चलेगी 9:40 बताया है टाइम, ये पूछ के आया हूँ मैं, और थैंक्स टू रमेश भाई यहाँ ड्रॉप करने के लिए। और फिलहाल आज यहाँ से हम कुल्लू निकल रहे हैं, तो आप लोगों को चलो कुल्लू की सड़कें घुमाते हैं, कुल्लू के रूट जो यहाँ से मनाली वाला रूट है ना वो पूरा घुमाते हैं, मैंने सुना काफ़ी अच्छा है, लेट्स सी। सर एक कुल्लू सर खिड़की वाली दे दीजिएगा, थोड़ी उल्टी का प्रॉब्लम है। सच में है? घूमने आए हैं जी, घूमने आए कुल्लू जाना ना? जी सर मिल जाएगा भाषा, ऐसी सीट देंगे आपको याद करेंगे। थैंक यू सो मच सर। कितना है कुल्लू का अंकल टिकट? 350 रुपये। सो गाइस यहाँ पे लड़कियों को 20% ऑफ है अगर आप हिमाचल की बस से ट्रैवल कर रहे हो। सो गाइस अभी बस यहाँ पे लुहरी करके एक छोटा सा प्लेस है वहाँ पे रुकी हुई है, तो यहाँ पे आप चाय पानी नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। अप्रॉक्स 11 बज गए। सो गाइस बंजार के वहाँ पे हमारी बस ख़राब हो गई थी, तो अभी यहाँ से दोबारा दूसरी बस चेंज करी है, जलोड़ी पास यहाँ से, जलोड़ी जोत यहाँ से 4 किलोमीटर है अभी, तो बेसिकली ये बस चेंज करके अब हम इस बस में जाने वाले हैं। जाम और बहुत सारा ट्रैफिक होने की वजह से यहाँ कुल्लू पहुँचने में बहुत लेट हो गई है, अब रॉक 7:30 हो गया है, तो अभी मनाली के लिए बस पहुँच रहा हूँ मैं, ये कुल्लू का बस स्टैंड है और यहाँ से सीधे मनाली भागते हैं यार, बहुत देर हो गई ऑलरेडी, 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से। सुबह तकरीबन 9 बजे मैं मनाली पहुंच गया हूं, अभी यहां से मुझे ओल्ड मनाली के लिए ऑटो लेना है, तो अभी पहले ऑटो ले लेता हूं, उसके बाद होटल चेक इन करता हूं, फिर आपको सीधे होटल में ही मिलता हूं डायरेक्ट। सो गाइस जैसे तैसे करके फाइनली मैं पहुंच गया अपने होटल यामा हाउस, यहाँ से बालकनी से मुझे लग रहा है अमेजिंग व्यू देखने को मिलने वाला है, बिकॉज रिवर की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है, अभी तो रात हो गई है, अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कल मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा और प्रॉपर्टी का भी टूर दे दूंगा। सो गाइस ये बिल्कुल होटल से बाहर निकलती है, इसके सामने ना क्लब हाउस भी है, यहाँ का जो क्लब हाउस है, और यहाँ से बहुत सारे रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है और कैफे लाइफ भी है यहाँ पर।